और आपको 10 hours खुद के निकालने। कितने? 10 hours। लेक्चर खत्म हुआ, मोबाइल बंद, उसके बाद कुछ नहीं, ना पेरेंट्स ना दोस्त कुछ नहीं, वो 10 घंटे प्रॉपर निकाल ले। आपके लिए IIT ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मी या फिर कोई भी एक्स टीचर। किसी भी टीचर के पीछे नहीं आपको करना है, आपको सीधा कंटेंट लेना। सर आप हमारी रैंक निकलवाना चाहते हो ना, आप हमें कंटेंट दीजिए, हम दिन रात घिसने के लिए तैयार हैं, हमें वो कॉलेज चाहिए बस। नहीं यार ये नहीं, नहीं यार ये किताब नहीं, नहीं DPP नहीं, नहीं मॉड्यूल नहीं, ये मत सुनो भाई। हम आपको रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पे ढल जाओ, आखिरी समय में भी ढल गए तो आपको फायदा हो जाएगा। अब जरा देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मेंस पे या एडवांस पे फोकस। अब अगर आपका मेंस का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार NIT भी नहीं मिल पाएगा जो मुझे चाहिए या जो ब्रांच चाहिए, अब आपको दोनों साइड पे पांव रखना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग, ठीक है? दोनों साइड पे आपको पांव रखना पड़ेगा, मेंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, एडवांस पे भी। और जिनका क्लियर है कि नहीं सर हमारी तो 99.5 से ऊपर ही जाने वाली है परसेंटाइल, हमारे स्कोर भाई 280-290 तक पहुंच रहा है, तो आप सीधी सी बात है आप सीधे एडवांस पर आ जाइए। 6 hours कहीं ना कहीं टीचर लेगा और आपको 10 hours खुद के निकालने। कितने? 10 hours। अब आप ये सोच लीजिए, फालतू सारी चीजें बंद, लेक्चर खत्म हुआ, मोबाइल बंद, उसके बाद कुछ नहीं, ना पेरेंट्स ना दोस्त कुछ नहीं, वो 10 घंटे प्रॉपर निकालने। सेकंड प्रॉमिस मैं आप सभी से ये मांग रहा हूं कि 6 hours के बाद आपका फोन बंद मींस नेट बंद, आप अपनी DPP सॉल्व करेंगे, जो भी आपको है उसी चीज के लिए यूज होगा। उसके बाद आप ये 1.5 महीना आप कहीं पर भी वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि मैं बता रहा हूं बेटा ये लास्ट मोमेंट जिसने संभाल लिया ना, बहुत अच्छे अच्छे पूरे 2 साल पढ़ने वाले बच्चे लास्ट मोमेंट में डिमोटिवेट होकर रह जाते हैं, और आखिरी में कुछ बच्चे होते हैं जो चांस मार जाते हैं। तो आपको कौन सा बनना है वो बहुत मैटर कर रहा है। कोई फायदा नहीं होता टेस्ट का, अच्छा अच्छा बेटा कोई नहीं, ठीक है बेटा, आई होप यू विल गेट ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड, मेरे से भी ज्यादा।